हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोई जवान सांसद जरा सा ज्यादा एक्साइटेड होके इमोशनल होके आगे चले, लेकिन कोई किसी के ऊपर भी उंगली नहीं लगाया। वो केरल के संसद सदस्य मणिकम टैगोर आए और जिस तरह से वो मारने के लिए बढ़े, मतलब कल्पना नहीं हो सकती। कोई भी एक उंगली भी नहीं लगाया कोई भी बीजेपी मंत्री के ऊपर। तो मैं इसके लिए डांटना चाहता हूँ, आप माननीय मंत्री जी अधिकार आपको नहीं दिया डांटने का। नो गलत सर। प्रधानमंत्री जी को दंडा पड़ेगा शायद, राहुल गांधी के इशारे से ही इन लोगों ने सदन में दंडा की कार्यवाही करने का सोच रहे हैं। नमस्कार, घंटी बजाओ में आपका स्वागत है, मैं अनुराग मुस्कान। देखिए साहब, राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा जो हैं वो प्रधानमंत्री को डंडों से मारेंगे। राहुल ने वोट के लिए ऐसा विवादास्पद बयान तो दे दिया, लेकिन उसका नतीजा आज देश को संसद में देखने को मिला। देश के युवा तो नहीं लेकिन कांग्रेस पार्टी के नौजवान सांसद हाथापाई करने के आरोपी बन गए। आज हर्षवर्धन ने राहुल गांधी की निंदा की। यह बात कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर को इस कदर नागवार गुजरी कि वो हर्षवर्धन की तरफ दौड़ पड़े। सबसे पहले देखिए संसद में आज क्या हुआ, तभी आप लोकतंत्र को लाठी तंत्र बनाने वालों की जोरदार घंटी बजा पाएंगे। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। उन्होंने घोषणा की कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। ये बात सही है कि काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही, तो 6 महीने का समय तो अच्छा है। देश के दो सबसे बड़े सियासी नेताओं के बीच जुबानी जंग पहले भी होती रही है। कहते हैं डंडा मारने की बातें करते हैं, लेकिन जिस मोदी को इतने बड़ी मात्रा में माताओं बहनों का सुरक्षा कवच मिला हो, उस पर कितने ही डंडे गिर जाएं, उसको कुछ नहीं होता। सियासत में नेताओं के बीच वार पलटवार होते रहते हैं, लेकिन किसी ने ये सपने में नहीं सोचा था कि राहुल गांधी के डंडे वाले बयान से हिंदुस्तान के युवा को ऐसा डंडा मारेंगे, हाथापाई तक की नौबत आ जाएगी। ये संसद की वो तस्वीर है जो चेतावनी है कि अगर माननीय नहीं थमे तो बदजुबानी से बात जोर जबरदस्ती तक पहुँच सकती है। लेकिन सवाल ये कि लोकसभा में जो कुछ भी हुआ उसके लिए दोषी कौन है? क्या कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के उकसावे की वजह से सत्ता पक्ष की तरफ दौड़ पड़े? लिटरली मैन हैंडल करने का कोशिश किया तो, और राहुल गांधी का स्टेटमेंट का जब खंडन कर रहे थे, जब उत्तर देते देते, तब उन लोग डायरेक्टली आके डॉक्टर हर्षवर्धन के मैन हैंडल करने का जो कोशिश किया, ये बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये दिखाता है। तो सर क्या धक्का मुक्की हुई है? नहीं, हमने बीच में गए और हमारे और कोई लोग भी आए और हमने उनको, इस बीच में अधीर रंजन भी आए, हमने रिक्वेस्ट किया कृपया इन लोगों को जो आपके राहुल गांधी जी के इशारा से इधर आए, उन लोगों को कृपया लेके जाइए। ये लेवल ऑफ दी
लोकसभा विल कम डाउन, ऐसे हमने उनके बता के हमने भेज दिया। सवाल ये भी है कि क्या संसद में हाथापाई की नौबत इसीलिए आई ताकि राहुल गांधी को बोलने से रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 89 से राहुल गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 89 सर प्लीज एक्सक्यूज मी, इन अ रीसेंट स्पीच ही यूज्ड वर्ड सरप्राइज दैट मिस्टर गांधी। तो अपने आप ये नहीं करते, इंस्ट्रक्शंस थे कि दूसरी इशू उठानी है तो उन्होंने वो बात उठा दी कि आज पार्लियामेंट्री है नॉर्मली उठा ली। लोकसभा में हाथापाई की नौबत के लिए दोषी कौन है, ये किस वजह से हुआ, ये समझने के लिए हमने 1.5 मिनट के इस वीडियो का हर फ्रेम बारीकी से देखने की कोशिश की है ताकि आप डंडे की राजनीति करने वालों की घंटी बजा सके। देश को शर्मसार करने वाली इस घटना का आगाज लोकसभा में 11:50 से शुरू हुआ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन जवाब देकर जैसे ही बैठे लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी से सवाल पूछने को कहा। क्वेश्चन नंबर 89 से राहुल गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 89 प्रश्नकाल के दौरान राहुल गांधी का सवाल देश में मेडिकल विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़ा था। जैसे ही लोकसभा स्पीकर ने प्रश्न संख्या 89 का नाम लिया, प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी ने खड़े होकर वो नंबर दोहराया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जवाब देना शुरू कर दिया। सर प्लीज एक्सक्यूज मी दैट बिफोर आई बिगिन आंसरिंग दिस क्वेश्चन ऑफ डियर श्री राहुल गांधी जी, आई वांट टू कंडेम इन नो अनसर्टेन वर्ड्स द आउटलैंडिश लैंग्वेज दैट ही हैज यूज्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन अ रीसेंट स्पीच ही यूज्ड वर्ड्स लाइक 6 महीने बाद इस देश का युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मार मार के देश के बाहर कर दे। हर्षवर्धन ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो राहुल गांधी ध्यान से उन्हें सुनने लगे, लेकिन पीएम का जिक्र आते ही हंगामा शुरू हो गया। इन अ रीसेंट स्पीच ही यूज्ड वर्ड्स लाइक 6 महीने बाद इस देश का। हर्षवर्धन के बोलने के 22वें सेकंड में दिखी इस तस्वीर में राहुल गांधी ने हाथ से इशारा करके अपनी नाखुशी जताई। ऐसा करते हुए उनकी आंख साथ में बैठे कांग्रेस सांसद के सुरेश से मिली, आगे बैठे अधीर रंजन चौधरी खड़े होकर हंगामा करने लगे और राहुल गांधी के बगल से एक सांसद जाते हुए देखे। आई एम सरप्राइज्ड दैट मिस्टर गांधी योर ओन फादर वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड आई डोंट थिंक दैट इन द वर्स्ट ऑफ केसेस आवर पार्टी लीडर्स मेक सच आउटलैंडिश पर्सनल रिमार्क्स अगेंस्ट हिम एवर थ्रेटनिंग दैट द कंट्री यूथ विल बीट हिम विद डंडास एंड थ्रो हिम आउट ऑफ द कंट्री। द एंटायर हाउस प्रेजेंट हियर मस्ट इन अनइक्विवोकल टर्म्स कंडेम दिस लैंग्वेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो 22वें सेकंड में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर सत्ता पक्ष की तरफ जाते हुए देखे। 49वें सेकंड में उनका हाथ हर्षवर्धन को रोकने की कोशिश करते हुए कैमरे में कैद हुआ और 60वें सेकंड में इतना हंगामा हो गया कि स्पीकर को कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। जो मणिकम टैगोर अपनी सीट से उठकर सत्ता पक्ष की पहली पंक्ति तक गए वो तमिलनाडु से कांग्रेस के सांसद हैं। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के ऐलान के चंद पलों के भीतर ही जो तस्वीर दिखी उसमें मणिकम टैगोर सत्ता पक्ष की पहली बेंच के पास खड़े देखे, जिनकी तरह दो बीजेपी सांसद दौड़ रहे थे, ये निशिकांत दुबे और ब्रजभूषण शरण सिंह थे। बीजेपी सांसदों ने मणिकम टैगोर को पकड़कर हटाने की कोशिश की और इसके बाद बाकी बीजेपी सांसद वहां पहुंच गए, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल थी। इस दौरान राहुल गांधी अपनी सीट पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे, जिनके बयान की वजह से ये सारा विवाद शुरू हुआ, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने पहले लोकसभा और फिर असम की कोकराझाड़ की रैली में दिया। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा।
मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है, हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। ये बात सही है कि काम ज्यादा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही है, तो 6 महीने का समय तो अच्छा है। कहते हैं डंडा मारने की बातें करते हैं, लेकिन जिस मोदी को इतने बड़ी मात्रा में माताओं बहनों का सुरक्षा कवच मिला हो, उस पर कितने ही डंडे गिर जाएं, उसको कुछ नहीं होता। संसद में क्या हुआ ये तो आपने देख लिया, लेकिन जो हुआ क्या वो ड्रामा है या फिर उकसावा, इस सवाल पर दोनों पक्षों की क्या राय है अब वो भी देख लीजिए, वो भी सुन लीजिए। वो केरल के संसद सदस्य मणिकम टैगोर आए और जिस तरह से वो मारने के लिए बढ़े, मतलब कल्पना नहीं हो सकती। कोई भी एक उंगली भी नहीं लगाया कोई भी बीजेपी मंत्री के ऊपर, तो दंडा पड़ेगा। शायद राहुल गांधी के इशारे से ही इन लोगों ने सदन में दंडा की कार्यवाही करने का सोच रहे। तो ये मैन हैंडलिंग और मंत्री तक आना, ये तो बहुत खंडनीय है। संसद में हाथ दबाई की नौबत का जिम्मेदार कौन है? क्या बीजेपी के आरोप सही है या फिर राहुल गांधी की बात में दम है? क्योंकि दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने इस पर क्या कुछ कहा। वायनाड की इशू थी, मेडिकल कॉलेज की इशू है, वहाँ के लोगों को कठिनाई हो रही है, मैं उठाना चाह रहा था। नॉर्मली क्वेश्चन में सवाल का जवाब दिया जाता है, मगर शायद हेल्थ मिनिस्टर को किसी और ने बताया होगा, इंस्ट्रक्शंस थे, क्योंकि वो अपने आप ये नहीं करते। इंस्ट्रक्शंस थे कि दूसरी इशू उठानी है, तो उन्होंने वो बात उठा दी कि अनपार्लियामेंट्री है, नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। आप ये जो टेलीविजन का कैमरा है उसको आप वीडियो को देख लीजिए, मानिक टैगोर मांग लीजिए, मानिक टैगोर जी जरूर वेल में गए, मगर मानिक टैगोर जी ने कोई किसी पे हमला नहीं किया, उल्टा उन पे हमला हुआ। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर्षवर्धन को ऐसा करने के लिए कहा गया, इसका सच जानने के लिए हमने लोकसभा की कार्रवाई की तस्वीरों को एक बार फिर खंगाला। 11:50 से पहले की तस्वीरों को हमने रिमाइंड किया। आयुष्मान भारत के तहत जब हम 11:20 पर पहुंचे, तो हमें त्रिपुरा से बीजेपी सांसद रेवती त्रिपुरा आयुष्मान भारत को लेकर हर्षवर्धन से सवाल करते हुए देखे। मैकेनिज्म या ऐसा कुछ व्यवस्था है क्या मंत्री जी के सोच में, ताकि वहाँ का गरीब लोगों को भी ये फैसिलिटीज मिले। इसके बाद 11:27 पर बिहार के काराकाट से जेडीयू सांसद महाबली सिंह। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ महोदय, कि जो बीपीएल परिवार जो छूट गए हैं, जो गरीब लोग छूट गए हैं, क्या सरकार उन बीपीएल परिवारों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड निर्गत करने की विचार रखती है और कब तक? 11:46 पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और बीजेपी के अजय निषाद ने हर्षवर्धन से सवाल किए और उनका जवाब लिया। We have created 2 national centers for aging and these are at Madras Medical College and AIIMS, they are in the various end for। तो आपने खुद देखा कि पक्ष और विपक्ष के चारों सांसदों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने अच्छे से जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 89 थी राहुल गांधी जी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की बारी आई, हर्षवर्धन जवाब देने के बजाय कागज उठाकर बयान पढ़ना शुरू कर दिया। आई बिगिन आंसरिंग दिस क्वेश्चन ऑफ डियर श्री राहुल गांधी जी। आई वांट टू कंडेम इन नो। अब सवाल ये है, क्या हर्षवर्धन पहले से तय करके आए थे कि राहुल गांधी के सवाल पर वो उनके पीएम पर दिए बयान की निंदा करेंगे? छह महीने बाद इस देश का युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मार मार के देश, या फिर उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया, ये बात साबित नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वीडियो देखकर ये साबित नहीं होता कि मणिकम टैगोर से हाथापाई हो।
आवर में डेरोगेटिव वर्ड्स थी और इसीलिए हम लोग एजिटेट किए थे और हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया. सम बीजेपी मेंबर्स दैट ओनली आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हु आर द मेंबर्स दे मैन हैंडल्ड मी दे शुड ओनली अपोलोजाइज नॉट मी. जो राहुल गांधी बाहर बताया ना फिजिकल अटैक दंडा पड़ जाएगा प्रधानमंत्री जी को, वो फिजिकल अटैक वो सदन में भी शायद सब मंत्रियों के और सब सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एमपी के ऊपर करना चाहते हैं राहुल गांधी जी के इशारे पे. कांग्रेस का आरोप है कि आमतौर पर प्रश्नकाल में मंत्री सवालों के जवाब देते हैं, इस तरह आरोप नहीं लगाते. ऐसा करने की मनाही खुद स्पीकर के स्तर से हो चुकी है. बात यह है कि स्पीकर साहब तो कई कई बार कहें कि क्वेश्चन आवर पे सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे, कोई और विषय उठाना है तो आप जीरो आवर पे कर दीजिएगा. जीरो आवर को इंतजार करने के अलावा इसने अभी बोल रहा था कि स्पीकर उनको रुकाना चाहिए था. हम चाहते थे, हमने शुरू तुरंत बोले कि बंद कीजिए, क्या बोल रहा है ये. लेकिन उनका माइक चला रहा था, सारे कुछ रिकॉर्ड पे जा रहा था, लोग पूरा देश सुन रहा था. वो केरल के संसद सदस्य मणिकम टैगोर आए और जिस तरह से वो मारने के लिए बढ़े, मतलब कल्पना नहीं हो सकती. संसद में अगर किसी सदस्य को सरकार से सवाल करना होता है तो वो सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच स्पीकर को बताकर ऐसा कर सकता है. प्रश्नकाल में मंत्री अपने मंत्रालय से जुड़े निश्चित सवालों का जवाब देते हैं. अगर जवाब गलत पाया जाता है तो उसके बाद फिर से जवाब देना होता है. आरोपों पर बात करने के लिए शून्यकाल होता है. एक्शन कांग्रेस के मेंबर द्वारा किया गया आज, और ट्रेजरी बेंचों तक ही नहीं आए. वो ट्रेजरी बेंच के अंदर जो रो है उस रो में घुस करके और हर्षवर्धन जी के पेपर छीनने का या हर्षवर्धन जी को हिट करने का उनका एक्शन था जो बिल्कुल निंदनीय है. और हम डिमांड करते हैं कि उनपे उचित कार्रवाई होनी चाहिए. संसद में क्या हुआ से ज्यादा क्यों हुआ अहम है, जिसके लिए सब दोषी हैं. सदन में शून्यकाल के दौरान पर्यावरण से जुड़े एक पूरक प्रश्न के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने बजट पर्यावरण को लेकर आवंटन की आलोचना की. इसका जवाब देते हुए पर्यावरण राज्य मंत्री बावल सुप्रियो ने ऐसी टिप्पणी की जिस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई. माननीय मंत्री जी, अधिकार आपको नहीं दिया डांटने का. नो गलत सर. आदित्य जो है फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो है सुबह योगा में बहुत ज्यादा टाइम देते होंगे, आंसर ठीक से पढ़ते नहीं. आपको मैं इसके लिए डांटना चाहता हूँ. आप माननीय मंत्री जी, अधिकार आपको नहीं दिया डांटने का. नो गलत सर. इससे स्पष्ट कर दीजिए. कोई बात नहीं कहा आप दादा. सर 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 एक सेकेंड सर एक सेकेंड. संसद मंत्री जी को बताओ. नो सर स्पष्ट कर देना है. सर एक सेकेंड. इसके बाद अधीर रंजन चौधरी और बाबुल सुप्रियो के बीच थोड़ी देर बहस हुई, लेकिन लोकसभा स्पीकर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ गए. लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि शब्दों की मर्यादा हर स्तर पर टूट रही है, चाहे सांसद हो, मंत्री हो या फिर विधायक. अपना तुम्हारा बाप कौन है, तुम रहने वाले कहां के हो, प्रमाण पत्र तो देना होगा. अगर नहीं है तो देश की सीमाओं से बाहर जाना होगा. आज पूरे देश में जनगणना चल रही है. जो बांग्लादेशी है ना, वो किसी तरह से सोच रहे हमारा आधार कार्ड कहीं से बन जाए. ऑनलाइन है, ऐसा होने वाला नहीं है. नागरिकता संशोधन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि उनकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक ऐसे बयान देकर उनके इस काम को मुश्किल बना रहे हैं. तो जरूरत नेताओं को सोच समझकर बोलने की, वो चाहे राहुल गांधी हो या फिर बाबुल सुप्रियो. विवादित बयानों का अंजाम संसद में हाथापाई के रूप में हो रहा है, जिसकी घंटी बजाना आज बहुत जरूरी है. सर आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ. न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे.